आज हम फूल और कांटे इस कविता पर चर्चा करते हैं। इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से ही बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा होता है। चांद, सूरज, हवा, बादल, पौधे सभी भेदभाव नहीं करते, सभी को अपनाते हैं और सभी को प्यार देते हैं, एक समान समझते हैं। इस तरह हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने कर्मों से ही बड़ा बनना है। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसर वस्त्र, वेदना घायल करना, भौर भौरा, जी मन, सोहना शोभा देना, सीस सीर। लय ताल के साथ कविता का पाठ करें और शब्दार्थ लिखें। धन्यवाद।